सत श्री अकाल जी, सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के जाने पंजाब के नाल जुड़िया हुई कुछ मुख ते वड्डियां खबरां बारे। सब तो पहला जाने पंजाब दे विच स्कूल कदों खुलन जा रहे हैं, तो नाल दी नाल अज 15 अक्तूबर है, तो पंजाब सरकार दे सिनेमा हाल थिएटर खुलन संबंधी की नवे हुक्म आए ने उन्हां बारे दसांगे। इहदे तो बिना पंजाब दे विच जिहड़ी एक अहम मुद्दा चल रहा है खेतीबाड़ी बिलों नूं लैके किसानां दा अंदोलन जिहड़ा चल रहा है उहदा की बन रहा है, सरकार दे उत्ते उस अंदोलन का किन्ना कु असर है, किसानों के अंदोलन की अगली रणनीति की होगी, सरकार का की ऐलान है, इस सारे बारे जी अहम जानकारी है वो तुहानू देवांगे। तो खास तो वड्डी खबर है कि बाकी दे सारियां जथेबंदियां नू छड़ के गायकां नू छड़ के पंजाब के मशहूर गैंगस्टर ग्रुपां ने भी किसानों का साथ देने का वड्डा ऐलान कर दिता है। ये बारे भी देवांगे तुहानू जानकारी। तो सब तो पहला आपां गल करदे हाँ स्कूल खुलण संबंधी वड्डी खबर बारे। अज 15 अक्टूबर है, तो जिमें कि केंद्र सरकार दे वलों जो हदायतां जारी कीतियां ने उन्हां अनुसार अज तो जिहड़े देश दे कई सूबे आ उन्हां विच स्कूल खुल सकदे ने। इह फैसला सूबे दीआं सरकारां उत्ते छड्ड दित्ता सी, ते पंजाब सरकार दे विच जिहड़ी पंजाब दे विच लोक आ उह हजे भी इस अनलॉक 5 दे तहत स्कूल खोलण नूं लै के 6-5 दे विच पिया होया आ कि पंजाब दे विच स्कूल अज तो खुलण जा रहे ने कि नहीं खुलण जा रहे। तो सब तो पहला आपां शुरुआत करते हाँ स्कूलों नूं खोलण संबंधी जिहड़ी अहम खबर है। तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे विच अनलॉक 5 दे तहत स्कूलों नूं खोलण संबंधी 6-5 हजे भी बरकरार है। जिवें कि केंद्र सरकार दे वल्लों हुक्म आए सी कि 15 अक्तूबर तो देश दे सूबे स्कूलों नूं खोल सकदे ने, सरकार दीआं हदायतां तां इह सीगीआं, ते नाल दी नाल इह फैसला सी स्कूलों नूं खोलण संबंधी उह सूबे दीआं सरकारां उत्ते छड्ड दित्ता गया सी। ते अजिहे विच जे पंजाब सूबे की गल करिए अज 15 अक्टूबर तो स्कूलों नूं खोले जाण नूं लैके पंजाब दे सिख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा आ कि अजे सरकार ने स्कूलों नूं खोलण संबंधी कोई फैसला नहीं किया, यानी कि अज तो स्कूल पंजाब दे विच खुलण नहीं जा रहे। सरकार दे वल्लों नियम तय किए जा रहे ने, हजे जिवें ही नियमों का काम मुकम्मल हो जाएगा उहदे तों बाद स्कूल खोलण की तारीख बच्चों ते अध्यापकों वास्ते मापदंड ते नवीं हदायतां जारी कर दित्तियां जाणगियां। सरकार वल्लों किसी तरह के लिखती सूचना ना होण करके लोकां दे विच 6-5 हजे बरकरार है। 15 अक्टूबर नूं स्कूल खोलण बारे जारी पत्रां दे विच उन्हां कहा है कि स्कूल खोलण दे संबंध विच मंजूरी गृह विभाग ते नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग तों लई जाएगी। जदों भी स्कूल खोले जाणगे उन्हां दे नाल ही कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां बाकी दे विद्यक अदारे भी खोले जाणगे। गृह विभाग ते मुख्यमंत्री मिलके कोई अहम फैसला करनगे। फिलहाल स्कूलों नूं कीहड़ियां हदायतां दित्तियां जाणियां ने, स्कूल खोले जाने चाहीदे ने जां फिर नहीं, उन्हां दे उत्ते काम चल रहा है, एक सिस्टम बनाया जा रहा है। सिंगला ने स्पष्ट किया है कि साडे वास्ते स्कूल खोलना अहम नहीं है, पहलां बच्चों की सेहत ते सुरक्षा है। अगली खबर है सिनेमा खुलण बारे। कोरोना करके पिछले 7 महीनों तो बंद देश भर के विच सिनेमा हाल थिएटर ते मल्टीप्लैक्स अज 15 अक्टूबर तो खुलण जा रहे ने। केंद्र सरकार दे जो हुक्म आए ने उन्हां दे अनुसार अनलॉक 5 दे तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर तो देश भर दे विच सिनेमा हाल खोलण की इजाजत दे दित्ती सी। इको समय सिनेमा घरां दे विच सिर्फ 50% लोग बैठ के फिल्मां वेख सकणगे, इह शर्त भी सरकार दे वल्लों रख दित्ती गई सी। सिनेमा के अंदर कुछ भी खाना जां पीना पूरी तरह नाल वर्जित होवेगा। दिल्ली विच थिएटर 16 अक्टूबर यानी कि कल तो खुलणगे। कई थिएटरां दे मालकां ने बंद रहन दा ही फैसला कीता है कि वह अपने सिनेमा हाल उन्हां नूं नहीं खोलण जा रहे कोरोना की स्थिति नूं देखते हुए, जदों कि कुछ नवरात्रि की उड़ीक कर रहे हैं। भावें कि देश के कई सूबों के विच अज तो सिनेमा हाल थिएटर यह सब कुछ खुलण जा रहा है, पर पंजाब दे विच अजिहा नहीं होवेगा। जिथे पंजाब दे विच स्कूल नहीं खोले जा रहे उहदे नाल नाल सिनेमा हाल भी हजे पंजाब दे विच नहीं खुलन जा रहे। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पंजाब दे विच सिनेमा हाल मल्टीप्लैक्स अते मनोरंजक पार्क लोकां वास्ते खुले नहीं जाणगे। कोरोना तो बचाव वास्ते मुख्यमंत्री पंजाब ने अजिहा फैसला किया है। हुण गल करते हाँ किसान अंदोलन दे बारे विच। जिथे पंजाब दे विच लगातार इस चल रहे अंदोलन विच गायक बुद्धिजीवी अदाकार ते सारियां किसान जथेबंदियां किसानां दा साथ दे रहियां ने, इन्हां खेती बिलां दे खिलाफ चल रहियां ने,
उत्थे ही अजिहे विच वड्डी खबर है कि पंजाब दे वड्डे वड्डे गैंगस्टर ग्रुप भी किसानां दी हमायत विच नेतर आए ने। गैंगस्टर ग्रुप विवादपूर्ण खेती कानूनां नूं लै के पंजाब दे किसान अंदोलन विच सहयोग करन वास्ते अगे आ रहे ने। इसे दौरान एक फेसबुक यूजर शेरा खुबर ने पार्टियां ते कलाकारां नूं अपने झंडे सुट के किसानां दे हक विच अगे आउण दी बेनती कीती है। इस फेसबुक यूजर ने फेसबुक उत्ते पोस्ट पा के लिखा कि सारियां पार्टियां ते कलाकारां नूं बेनती कीती जांदी है कि वह अपने झंडे सुट देण ते किसानां दे हक विच खड़े हो जाण। हुण तक कोई भी पार्टी सुहिरदता दे नाल किसानां दे नाल अगे आके नहीं खड़ी, सब अपनियां सियासी रोटियां सेक रहे ने ते सब आपो अपनी ताकत दिखाउण दी कोशिश कर रहे ने। किसान अते पार्टियां वखरे तौर उत्ते विरोध प्रदर्शन कर रहियां ने। इस तरह पार्टियां वख वख प्रदर्शनां राहीं किसानां दे इकट्ठ नूं घटाउण दी कोशिश कर रहियां ने। जे आप अकाली दल अते कांग्रेस नूं किसानां प्रति हमदर्दी है तां उहनां नूं अपने झंडे सुट देने चाहीदे ने ते किसानां दे नाल उहनां दे झंडे थल्ले खड़े होना चाहीदा है। इन्हां तों इलावा गैंगस्टर दविंदर बंबीहा ने भी अपने फेसबुक अकाउंट तों एक तस्वीर सांझी हुई है। उन्होंने फेसबुक अकाउंट तो जिदे विच लिखा है कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक होर पोस्ट दे विच उसे अकाउंट तो यह पोस्ट पाई गई जिदे उत्ते नारे वजों लिखा है किसान दे पुत हाँ किसानां दे नाल ही खड़ांगे। फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक वीडियो सांझा किया जो किसानां दे हक विच है, जिदे नाल लिखा गया कि इस वीडियो नूं किसानां वास्ते सांझा जरूर करो, जय हिंद। एक गैंगस्टर तो समाज सेवी बने लखा सिधाणा खुले रूप दे विच किसानां दे नाल इस अंदोलन दे विच खेती कानूनां दे खिलाफ सड़कां दे उत्ते नितरे होए ने, किसानां दे नाल खड़े ने। उन्होंने अपना समर्थन खुले रूप दे विच जाहिर किया है, पर उत्थे ही हैरानी वाली गल तां इह सामने आई है कि इह उह सारे अकाउंट्स ने जिन्हां दे यूजर्स शेरा खुबन ते दविंदर बंबीहा पुलिस मुकाबले दे विच पहलां ही मारे जा चुके ने, पर उन्हां दे फेसबुक अकाउंट्स हाले भी एक्टिव ने, अज भी चलाए जा रहे ने। किसान अंदोलन फिलहाल जारी है ते इह कयास लाए जा रहे ने कि गैंगस्टरां दे खुले रूप दे विच सामने आउण दे नाल इह अंदोलन होर तेज़ हो जाएगा। उधर बीते कल पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दे कई नुमाइंदियां दी जिहड़ी 7 मैंबरी टीम सी केंद्र सरकार दे नाल बैठक करन गई सी दिल्ली दे विच, पर उस मीटिंग दा कोई नतीजा नहीं निकलिया क्योंकि किसान आगुआं दा कहना है कि बैठक दे विच कोई मंत्री नहीं आया, सिर्फ कृषि जिहड़े विभाग दे आ कुछ उत्थों दे लोक बैठक दे विच आए ते उहनां दे नाल उहनां ने मीटिंग नहीं कीती। इह मीटिंग दा कोई जिहड़ा सिट्टा उह नहीं निकलिया ते केंद्र सरकार दी इस बेरुखी तों बाद किसान बिलां दे खिलाफ संघर्ष होर तिखा ते तेज़ हो गया है। अंदोलन कर रहियां पंजाब दीआं 29 किसान जथेबंदियां ने अज फिर तो चंडीगढ़ दे विच मीटिंग बुलाई है। मन्निया जा रहा है कि मोदी सरकार दी अड़ी नूं उन्हां दी जिद नूं वेखदे होए किसानां ने अज वड्डा ऐलान करना है। केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग बेसिट्टा रहन मगरों सारियां सियासी पार्टियां भी किसानां दे हक विच खुले रूप विच नेतर आईयां ने। खबरां दे मुताबिक किसान हुण शहरां दे अंदर संघर्ष तेज़ करन जा रहे ने क्योंकि बीजेपी दा वोट बैंक शहरां दे अंदर ही है। इहदे तों इलावा किसान बीजेपी लीडरां दे घिराओ नूं होर तेज़ करन दी योजना बना रहे ने। किसानां दा मनणा है कि श्रोमणी अकाली दल वल्लों साथ छड्डण मगरों बीजेपी पहलां ही अलग थलग पै गई है ते हुण बीजेपी लीडरां दे घिराओ नाल मोदी सरकार दे उपर किसानां दे मसले नूं हल करन दा दबाअ जरूर पवेगा। दस दईए कि बुधवार नूं नवीं दिल्ली दे विच केंद्रीय खेती मंत्री संजय अग्रवाल दे नाल जथेबंदियां दी उहनां दे जिहड़े नुमाइंदे सी उहनां दी गलबात होई सी, पर जो कि बेसिट्टा ही रही है। उहदे तों बाद किसान जथेबंदियां ने सारा गुस्सा हुण बीजेपी लीडरां दे खिलाफ ही कढ़ना शुरू कर दिता है। जिदां ही मीटिंग असफल रहण दी गल पंजाब दे विच पहुंची तां किसानां ने बीजेपी लीडरां दे घिराओ करदिआं मोदी सरकार दे खिलाफ जोरदार नारेबाजी कीती। पंजाब दे विच लगातार 15वें दिन भी अज किसानां ने रेल मार्गां, टोल प्लाजियां, कारपोरेट घराणियां दे वपारक टिकाणियां, पेट्रोल पंपां ते बीजेपी लीडरां दे घरां दा घिराओ जारी रख्या है ते इह अगे भी जारी ही रहेगा। आउण वाले दिनां दे विच संघर्ष होर तेज़ होवेगा। इहदे नाल ही 24 सितंबर तों फिरोजपुर ते अमृतसर दे विच रेल मार्गां ते पक्का मोर्चा लाई बैठे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे आगुआं ने अपना अंदोलन जिहड़ा रेल रोको अंदोलन आ उह 17 अक्तूबर तक वधा दिता है। खबर यह भी है कि इन्हां खेती कानूनां दे विरुद्ध विच किसान जथेबंदियां ने 5 नवंबर नूं देश भर विच चक्का जाम करन दा ऐलान भी कीता है। इस दी जानकारी भारतीय किसान यूनियन दे
या राज्यवाल के प्रधान बलबीर सिंह राज्यवाल ने चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीते दिन दी सी। राज्यवाल ने कहा कि देश भर दीआं किसान जथेबंदियां 5 नवंबर नूं सवेरे 10 बजे तो शाम 4 बजे तक चक्का जाम करनगियां। उन्होंने दसा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई सी, जिदे विच कई सूबों दीआं किसान जथेबंदियों ने शमूलियत की, इस दौरान यह फैसला लिया गया है। सो हुण जल्द ही यह संघर्ष होर तेज़ हो जाएगा। उन्होंने दसिया कि सारे देश दीआं किसान जथेबंदियों सारे मतभेद भुला के इको प्लेटफॉर्म से इकट्ठा होना पवेगा, वड्डा संघर्ष विड़िया जाएगा। इहदे तों इलावा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पंजाब विच अपना रेल रोको संघर्ष भी 17 अक्टूबर तक वधा दिता है। उन्होंने दसिया कि सारे देश दीआं किसान जथेबंदियों सारे मतभेद भुला के इको प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किया जाएगा, तो कोई वड्डा संघर्ष उसकी रणनीति विड़ी जाएगी। पंजाब दीआं किसान जथेबंदियों के नाल नाल पंजाब की कांग्रेस सरकार भी किते ना किते ये दावा कर रही है कि वह इन्होंने खेती बिलों के खिलाफ किसानों के नाल खड़ी हुई है। अजिहे विच पंजाब दी अमरिंदर सिंह सरकार ने केंद्र के खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में एक कानून बनाने वास्ते 19 अक्टूबर नूं विधानसभा का विशेष सैशन बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन की प्रधानगी हेठ हुई मंत्री मंडल की मीटिंग दे विच ए फैसला किया गया है। इहदे तों पहलां मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार संघी ढांचे के विरुद्ध खेतीबाड़ी कानूनों कानूनी ढंग के नाल लड़ेगी। कुछ दिन पहला कैप्टन ने यह भी कहा कि वह केंद्रीय कानूनों के खतरनाक प्रभावों को खत्म करने वास्ते विशेष विधानसभा का सैशन बुलाएंगे, जिसकी हुण तरीक जारी कर दी गई है कि यह विधानसभा का विशेष सैशन 19 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। इस दे नाल ही कैप्टन के ऐलान तो बाद आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन सरकार के अगे एक मंग रख दी है कि वह एक दिन की बजाय विधानसभा का घट्टो घट 7 दिन का सैशन बुलाउण। पंजाब के सीनियर आगू ते विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि खेती कानूनों के मुद्दे से केंद्र सरकार के वलों पंजाब दीआं 29 किसान जथेबंदियों के नाल रखी गई मीटिंग का बेसिटा रहना इस गल का प्रतीक है कि मोदी सरकार जबरदस्ती हैंकड़बाजी के नाल इस फैसले नूं इन्हां काले कानूनों नूं लागू करना चाहती है। चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार के वलों पास किए खेती कानूनों के खिलाफ जिहड़ा भी ये कानून पंजाब दे विच विधानसभा विच लै के आना चाहती है उसदियां अगाह कापियां समूह किसान जथेबंदियां सियासी पार्टियां नूं पहलां ही मुहैया करवाईयां जाण अते उहदे तों बाद सारियां सियासी पार्टियां अते किसान जथेबंदियां दी सांझी सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई जावे। फिलहाल खबरां दे इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। दुबारा मिलांगे, तद तक दे लई धन्नवाद।